कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ पर होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। क्या आप भी अपनी जैसे कि स्किन को फेयर करना चाहते हैं? क्या है जैसे कि सनबर्न होता है, सनबर्न से हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी काली पड़ जाती है और हमारी स्किन होती है वो डल भी पड़ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, और भी बहुत सारे जो इशू होते हैं वो हमारी स्किन पर हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक के ऊपर एक अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसकी सहायता से आप जो सनबर्न होते हैं, एक्ने होते हैं, पिंपल हो गया या फिर रिंकल्स हो गए, इन सभी प्रॉब्लम को हम चुटकी में ही ख़त्म कर देंगे। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो, इसके अंदर हम कुछ इन्ग्रीडियंट हैं जो कि यूज़ करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए है एक टमाटर, और मोस्टली है हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें हाफ में ही हमारा है जो कि फेस पैक है जो कि वो बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए आलू, और उसके बाद चाहिए शहद। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारा पैक बनेगा, और इससे अप्लाई करने से हमारी जो स्किन होगी वो वाइटनिंग भी हो जाएगी, और साथ ही साथ सनबर्न की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, और हमारा जो चेहरा है, चेहरे पे जो अनिबनी स्किन होती है, कहीं से वाइट हो गया, कहीं से ब्लैक की सोच है, मोस्टली क्या होता है हमारे यहाँ वाला एरिया ब्लैक होता है, और जैसे डार्क सर्कल हो गए या फिर पिगमेंटेशन हो गई, तो इन सभी प्रॉब्लम को ये दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए जो आलू है, इसका हमें रस चाहिए। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे, और कद्दूकस करने के बाद हम इसका अच्छे से रस है जो कि वो निकाल लेंगे। एक चम्मच हमें रस का चाहिए है इसका, और इसलिए जैसे कि मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, अगर आपको कमियां ज़्यादा लगता है तो आप है जो कि वो और ज़्यादा निकाल सकते हैं, कद्दूकस और ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने जो आलू था वो छिलके के साथ ही, मतलब इसके साथ ही कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, स्टार्च होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर जो रस था वो निकाल लिया है, और इसको हम अलग कर देंगे, और इसके बाद हम करेंगे टमाटर को कद्दूकस। टमाटर का भी हम ऐसे ही करेंगे। इसका भी हमें रस चाहिए, तो इसलिए हम इसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और उसके बाद इसका जो रस है वो हम जो आलू का रस निकाला है उसके साथ ही उसको भी मिक्स कर देंगे। ये हमारा जो टमाटर था उसका पेस्ट निकल चुका है, और अब छलनी की सहायता से हम इसको मिक्स कर देंगे उसके अंदर। और जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने आलू का रस था, और अब मैं इसके अंदर ये टमाटर है जो कि छानने के बाद इसमें से जो रस निकलेगा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये हमारा टमाटर का जो वो निकल चुका है। और जो हमने ये वेस्ट है जैसे कि इसमें से निकालने के बाद, इसको भी हम यूज़ करेंगे, और इसको मैं अभी के लिए साइड में रख देती हूँ। और जो हमारे पास ये बना है आलू का और जो टमाटर का रस है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ की सहायता से ही। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच शहद का, हमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है, एक चम्मच ही हमें आलू का रस लेना है, एक चम्मच ही हमें टमाटर का रस लेना है, और एक चम्मच ही हम इसके अंदर है जो कि वो हनी का ऐड कर देंगे। और ये हमारी रेमेडी है जो वो बनकर तैयार हो चुकी है, और जैसे आप देख सकते हो, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और इसके बाद आप चाहे तो ब्रश की सहायता से अपने फेस के ऊपर है जो कि अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये लिक्विड है, लगाने के बाद एकदम सूख जाएगा, तो इसलिए हम इसके मतलब ऐसे अप्लाई करने की बजाय, अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क भी है जो कि वो लगा सकते हैं। मैं जैसे आपको दिखा देती हूँ, हमारी रेमेडी है जो कि वो बनकर तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसको अपने फेस के ऊपर जैसे ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप इसे अप्लाई करोगे तो जैसे कि ये लिक्विड है, तो लगाने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद सूख जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे,
एक टिश्यू पेपर लेंगे, जैसे कि ये हैं, ये फेशियल टिश्यू पेपर आते हैं, और इसको हम जैसे कि इसके अंदर डिप करेंगे। आप चाहे तो जैसे कि हम इसको अपने फेस के ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है कि जब ये गिल्ला होता है तो हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए आप जैसे कि नोज़ वाले एरिया पे होल कर लीजिए, और चाहे तो आप आइज़ वाले एरिया पे भी होल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और जैसे कि मैंने तो सिर्फ नोज़ वाले पे किया है ताकि यहाँ से सांस आ सके। और आप शीट मास्क भी ले सकते हैं जो मार्केट के अंदर है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो हमें अब क्या करना है, अब जैसे कि मैं इसके अंदर इसको डिप करूंगी, और डिप करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं अब इसको डिप करने वाली हूँ ताकि इसके जो सारा न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर आ जाए, और यह जब हमारे फेस के ऊपर रहेगा तो इसके जो न्यूट्रिशन है वो हमारे फेस को है जो कि वो मिलते रहेंगे। और जो दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो भी रस था वो सारा का सारा मास्क, जैसे कि ये जो टिश्यू पेपर है, इसके अंदर आ गया है। और इसके बाद इसको मैं अपने फेस के ऊपर है जो कि वो रख लूँगी, और रखने के बाद आप इसके जैसे कि और ज़्यादा भी है जो कि रसदार है जो कि वो ले सकते हैं, वो आपके अनुसार है। और इसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर ऐसे करके इसको रख लेना है। दोस्तों मैंने अपने चेहरे को है जो कि क्लीन कर लिया है, लेकिन जब आप जैसे कि जब ये मास्क अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर तो आप इसे 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसके जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी स्किन को मिल सके, क्योंकि जो आलू और टमाटर है और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमने शहद ऐड किया है तो इनके अंदर क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसकी सहायता से हमारी जो स्किन होती है वो फ्री रेडिकल्स हो जाती है, और जो भी जैसे कि बैड बैक्टीरिया होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो बन की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। और ये देखो जो हमारे पास बच चुका था, वेस्टेज था जो कि टमाटर का और पोटैटो का, तो हमने इसको भी वेस्ट नहीं करना है, इससे भी हमारी जो स्किन होती है वो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट देती है स्किन को। यह भी जो इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को, इसके अंदर हमें चीनी ऐड करनी है। जब इसको अंदर चीनी ऐड करेंगे तो यह एक मतलब स्क्रब की तरह है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आप जैसे कि फेस जो मैंने मास्क बनाया था इससे पहले आप इसकी सहायता से है जो कि फेस के ऊपर स्क्रब कर सकते हैं, और उसके बाद इस जो पैक था मैंने जो बनाया था उसको जैसे कि यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप है जो कि दोनों चीजों से आप अपना जो कि फेस पैक है वो कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि ये यूज नहीं करना तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको यूज़ कर लीजिए, और वो भी एज अ स्क्रब, और जो कि हमारी जैसे कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और स्क्रब हमें अपनी स्किन को जैसे कि हेल्दी बनाने के लिए करना ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी रेमेडी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।